This we'll be here. conference will now be recorded. And great. Internal and external VPC. तो एक वीपीसी हम क्रिएट करने हैं अपना इंटरनल एंड एक्सटर्नल वीपीसी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल वीपीसी का कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, कि हमें हमारी लाइक का एक ऑर्गेनाइजेशन है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम एक्चुअली में चाह क्या रहे हैं, उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा। तो पहले हमारी रिक्वायरमेंट हमें पता होनी चाहिए। हमारी एक कंपनी है लाइक दिस इज माई वन कंपनी ICICI इंफोटेक, नाम सभी ने सुना होगा, सुना है नहीं सुना गाइस। एंड इस कंपनी की दो रिक्वायरमेंट्स है कि कंपनी कहती है कि मुझे एक ऐसा नेटवर्क बना के दो कि मुझे एक साइड पे, यानी कि मेरी एक ब्रांच है और दिस इज अ वन मोर ब्रांच, और मैं कहता हूँ दो डिपार्टमेंट्स है मेरे, मुझे कुछ चाहता हूँ कि इस ब्रांच में मेरे 100 सर्वर्स हैं एंड सेम एज ब्रांच टू में भी क्या है मेरे 100 सर्वर्स हैं। इन सारे ब्रांचेस के अंदर लाइक का अगर मैं बात करता हूँ, ब्रांच नेम ले लेता हूँ मैं डेवलपर, मुझे इनको चाहिए लैन एक्सेस विद इंटरनेट, गॉट इट, लैन एक्सेस विद इंटरनेट। दैट मीन्स नो वन एक्सेस this server in outside with public IP or private IP, कि ये इन सर्वर को कोई एक्सेस ना कर पाए, ना इन सर्वर को कोई पब्लिक आईपी से एक्सेस कर पाए और ना ही कोई इन सर्वर को प्राइवेट आईपी से। Got it my point? That means this server access within organizations, मेरी कंपनी के अंदर ही एक्सेस होने चाहिए। Got it? So this server console access within organizations. Clear? And नॉन पर्सन, जो भी मेरा नॉन पर्सन है लाइक मैं चाहता हूं कि लाइक 100 में से यहां पर मेरे दो डेवलपर्स हैं लाइक मेरी कंपनी के अंदर भी क्या कंडीशंस है, कि मेरी कंडीशन है कि 100 सर्वर तो बना दिए एंड दिस इज माय कंपनी, इस कंपनी के अंदर भी मेरे पास 50 एम्प्लॉयज है। Got it guys? Suppose करो मेरे पास 50 employee, मैं चाहता हूं कि मेरा employee number 1 और employee number 2, ये दो ही क्या करें मेरे जो यहां पे servers हैं, उन servers को access कर पाए, बाकी और कोई access नहीं कर सके। Got it the point everyone? यानी कि पहली बात कि मेरे servers पर LAN network होना चाहिए, दूसरा इंटरनेट भी चलना चाहिए, यानी कि लैन का मतलब है पब्लिक आईपी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए इंटरनेट। दूसरा कि वो कहते हैं कि मेरे सर्वर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो एक्सेस होने चाहिए, लेकिन विद इन ऑर्गेनाइजेशन में भी हर कोई उनको एक्सेस, जिसको मैं डिसाइड करूंगा वो ही क्या करे एक्सेस करे। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन गाइस? गॉट इट एवरीवन? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या चीज रिपीट करना है सर? रिपीट कर दीजिए। मैं सिंपल से कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी कहती है मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, एक डेवलपर डिपार्टमेंट है और एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, दोनों ही डिपार्टमेंट्स में रिक्वायर्ड है 100 सर्वर। वो कहते हैं कि डेवलपर डिपार्टमेंट को लैन एक्सेस देना है और टेस्टिंग डिपार्टमेंट को वैन एक्सेस देना है। वैन एक्सेस का मतलब है एक्सेस वाया
पब्लिक आईपी, और लैन का मतलब है कि एक्सेस वाया प्राइवेट आईपी विद इन लैन, वो भी किसको, नॉन पीपल्स को, हर किसी को नहीं, गॉट इट माय पॉइंट, हर किसी को नहीं देना, वो भी डिसाइड करना है कि कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉई है तो 100 में से कौन यूज करेगा. इज इट क्लियर पूजा? सो यहां पर कॉन्सेप्ट है लैन और वैन का. अब इस लैब को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस लैब को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें इस टाइप्स का अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा. अब वो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आई एम यूजिंग अ वीपीसी. सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, एक वीपीसी क्रिएट करेंगे. लुक लाइक आई एम क्रिएट अ वीपीसी, इज इट अ वीपीसी, और मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक आईसीसीपी वीपीसी एंड आई एम यूजिंग आईपी लाइक 10.0.0.0/24. दैट मीन्स कितनी आईपी बाय करे हमने, 256. Then I'm divide create a two subnets. मैं यहाँ पे क्या create करूंगा, दोनों VPCs के लिए दो, क्योंकि मेरी requirement दो departments हैं सिर्फ only, और दोनों departments से मिला के total कितने IPs चाहिए, 200 IPs. तो मैंने यहाँ पे कितने IPs ले लिए, /24 का मतलब I'm using a 256 IPs. After that guys, कि अब यहाँ पे next point क्या आता है, I am just create a two subnet. VPC बनाने के बाद मैं यहां से क्या create करूंगा, दो subnet create करूंगा. So now second steps आपकी आती है, create developer subnet. मैं यहां पे एक developer के नाम से subnet create करूंगा और उसके अंदर zone. अब आता है zone भी, कि आपको multi zone बनाना है या single zone. तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो सपोज करो कि दोनों डिपार्टमेंट बना के हम मल्टी जोन ही क्रिएट कर रहे हैं, तो जोन की अगर बात होती है तो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट जोन इज AP-SOUTH-1A एंड CIDR. अगर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ CIDR, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR. तो नाउ गाइस आई एम यूजिंग अ CIDR वैल्यू इज 10.0.0.0/25. तो गाइस ये मैंने एक पहला सबनेट बनाया एंड नाउ आई एम क्रिएट अनदर सबनेट जो कि मैं बना रहा हूं टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग सबनेट 2 एंड नाउ AP-SOUTH-1B एंड आई एम यूजिंग आईपी एड्रेस इज 128/25. अब किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो उसका मतलब यह कि उसने पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़े. जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़े उन्हीं को ये चीज समझ में नहीं आएगी, और जिसने पढ़े हैं उनका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने किस तरीके से 10.0.25 लिखा है, 10.0.25 लिखा है, 10.0.24 लिखा है. एवरीवन इज इट क्लियर, प्लीज रिप्लाई एवरीवन. यस सर. क्लियर है सभी का? यस सर. चलिए गुड है गाइस. अब नेक्स्ट, अब इसके बाद ऑप्शंस आता है क्रिएट रूट टेबल्स एंड एड सबनेट इन अ रूट टेबल. आपको क्या क्रिएट करनी है, रूट टेबल्स बनानी है और सबनेट्स को ऐड करना है. सो नाउ गाइस माय डिपार्टमेंट की, मेरे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स है पब्लिक लैन और वैन एक्सेस. सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट टू रूट टेबल्स. सो मैं यहाँ पे दो रूट टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ. आई एम क्रिएट अ वन रूट टेबल्स एंड नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर रूट टेबल्स. So I'm just give the create LAN root tables and add developer subnet. और यहां पे मैं कौन सा subnet add कर दूंगा, developer. And now I'm just also create a one more root table, create a WAN root tables and add टेस्टिंग सबनेट, टेस्टिंग सबनेट. तो गाइस सिंपल सा है कि आपने जो सबनेट्स बनाए थे वो सबनेट्स आपको कहां पर ऐड करने हैं,
इन रूट टेबल्स के अंदर ऐड करने हैं, एज वेल एज कि जब आप रूट टेबल्स बनाएंगे तो आपका जो रूट टेबल है वो भी आपके वीपीसी के साथ क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए. इज इट क्लियर इतना गाइस? चलिए पहले हम इतना एग्जीक्यूट करते हैं, देन मूव टू नेक्स्ट. सो आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल एंड क्लिक ऑन अ वीपीसी and I'm available in Mumbai location, so I'm just click on a VPC. Or guys, I'm deploy a server in another VPC, another location. So now today I'm deploying Singapore. Then click on VPC. And click on your VPC, then create default VPC here. I give the VPC name is ICCP-VPC, and value I'm using 110.0.0/24. Now create. After that, I'm created two subnets. Create subnets. Select VPC. Subnet one is like DE developer hyphen SUBNET subnet one. Select zone, so I'm selecting zone A. And region, so IP like 10.0.0.0/25. Same as I'm creating one more subnet. This is my testing subnet. Subnet two and availability zone. So now I'm just create a B and CIDR value, so it's 10.0.0.128/25, and now click on create. So those subnets हमने अपने create कर लिए हैं. Now I'm just create a third one, root tables. Create. So as per the diagram, we have created two root tables. Is it a ICCP-WAN-RT root tables, and select ICCP VPC. So this is a WAN root table. Now I'm just create or add the subnet for actions and edit subnet association, or inside the I'm just select the testing. So when access हमें testing को देना है, so I'm just add a testing subnet inside the when root tables. Then same as I'm just create a one more root table. So I'm just click on a create root tables, and I'm using ICCP-LAN-RT root table. Select the same VPCs, then I create a root tables. And then guys, is simply I'm just come to actions, edit subnet associations, and now developer. Till now clear? अब आता है कि हमें required है एक LAN और एक, but हमारी company की requirement क्या है कि जो LAN है अगर उस पर हमें internet access भी चाहिए. इंटरनेट एक्सेस आपको कब मिलता है? जब भी आप इंटरनेट गेटवे यूज करेंगे. लेकिन आपको पता है कि इंटरनेट गेटवे अटैच करते ही मेरी मशीन पब्लिक आईपी से एक्सेस होना भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट. दूसरा, कंपनी कहती है कि वी डोंट रिक्वायर अ पब्लिक आईपी एड्रेस, मुझे पब्लिक आईपीस भी अपने लैंड नेटवर्क पर नहीं चाहिए. यानी कि 100 पब्लिक आईपीस की कॉस्ट भी क्या है, कंपनी सेव कर रही है. तो इस पूरे सिनेरियो के लिए यहां पर दो चीजें आएंगी. वो दो चीजें क्या आएंगी गाइस? वो आएंगे आपकी पॉइंट नंबर वन कि आपको यहां पे यूज करने पड़ेंगे दो गेटवे. गॉट योर पॉइंट्स? क्या यूज करने पड़ेंगे? गेटवे. तो आई एम एग्जीक्यूट कि इस लैब को करने के लिए टोटल हमें यहां पे थ्री गेटवे यूज करने पड़ेंगे. वो तीन गेटवे कौन कौन से हैं? पहला आपका जो गेटवे है गाइस, वो है आपका नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, वीपीएन गेटवे. इस लैब को एग्जीक्यूट करने के लिए भी रिक्वायर्ड है थ्री गेटवे. वन इज नेट गेटवे, देन वीपीएन गेटवे. वीपीएन गेटवे और सर्वर भी आप ले सकते हैं यहां पे. And internet gateway.
तो ये तीन गेटवे आपके यूज होंगे। नाउ इट्स अ मैंडेटरी कि जब भी आप ये तीन गेटवे बनाएंगे, गॉट माय पॉइंट, तो ये तीनों गेटवे पर रिक्वायर्ड है पब्लिक आईपी, यानी कि इन तीनों गेटवे पे क्या रिक्वायर्ड होगा, पब्लिक आईपी। तो अगर आपका इन तीनों गेटवे के लिए पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड है, तो पॉइंट नंबर वन कि आपके ये जो तीनों गेटवेज हैं, ये तीनों गेटवे आपके जब आप क्रिएट करेंगे तो ये आपके उस सबनेट से कनेक्ट होने चाहिए जिस सबनेट पे पब्लिक आईपी एक्सेस हम देने वाले। दूसरा कि हमें चाहिए वैन रूट टेबल, तो वैन रूट टेबल कब बनेगी, जब हम इंटरनेट गेटवे को इसके साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो पहला कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट गेटवे, तो इंटरनेट गेटवे का क्या काम है, इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस विद पब्लिक आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट गेटवे जिस भी सबनेट से होगा उस सबनेट को कौन सा एक्सेस मिलेगा, पब्लिक एक्सेस मिल जाएगा विद पब्लिक आईपी। यानी कि अगर आप इस सबनेट पे कोई भी चीज कनेक्ट करते हो तो उन सारी चीजों को कौन सा एक्सेस मिलेगा गाइस, गाइस विच वन एक्सेस, पब्लिक एक्सेस विद पब्लिक आईपी। यानी कि अगर मैंने यहां पर अपना नेट वीपीएन गेटवे अटैच कर दिया, एंड आई एम आल्सो अटैच विद नेट गेटवे, और मैंने यहां पर क्या करा, इनके साथ अपना, वेट 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 कलर चेंज हो जा, और मैंने क्या करा अपना नेट गेटवे भी कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों सर्वर्स को क्या मिल जाएगा, एक एक पब्लिक आईपी भी क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन, यानी कि इन दोनों सिस्टम पे क्या होगा, यहाँ पे इसको एक पब्लिक आईपी भी मिलेगा और एक प्राइवेट आईपी भी मिलेगा। गॉट इट एवरीवन, इज इट क्लियर, क्योंकि अगर आप कोई भी मशीन किसी भी सबनेट से कनेक्ट करते हैं तो दोनों आईपी मिलते हैं ना उसको। अब मैंने क्या करा है कि इस पब्लिक सबनेट के साथ इन दोनों गेटवे को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो जब इन दोनों गेटवे को मैंने अटैच कर दिया है, सब ये जैसे अटैच होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस नेट गेटवे को वो एक प्राइवेट आईपी और एक पब्लिक आईपी दे देगा, सेम एज वो वीपीएन को भी क्या करेगा, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। यानी कि अगर यहाँ पर मेरे टोटल 128 आईपी थे, तो 128 आईपी में से अब कितने आईपी बचेंगे बताओ, कितने आईपी यूज हो गए मेरे टोटल, कोई बताएगा, दो ही तो यूज हुए हैं, 128 आईपी में से टोटल दो यूज करे हैं ना, और रिजर्व कितने हो गए थे, 5, तो टोटल कितने हो गए, 7 आईपी हो गए, तो रिमेनिंग आईपी मेरे पास कितने बचेंगे, 121 आईपी बचेंगे ना, जब दो मैंने रिसोर्स इसके साथ अटैच कर दी तो दो आईपी रिजर्व नहीं कर लेगा मेरे गाइस, यस और नो एवरीवन, यस सर, गाइस लॉजिक लगाइए लॉजिक, ये तीन दरवाजे हैं, पहला दरवाजा जो मेरे बाहर का रास्ता दिखा रहा है कि अगर आपको बाहर जाना है, यानी कि अगर हमें इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट पे जाने का सिर्फ हमने एक ही रास्ता बनाया है, थ्रू इंटरनेट गेटवे। गॉट इट द पॉइंट, आपको एग्जिट होना है अपने क्लाउड से, तो आप कहां से एग्जिट होंगे, वाया इंटरनेट गेटवे होंगे। अब वीपीएन सर्वर को भी अगर बाहर जाना है, तो वीपीएन सर्वर को भी अगर एग्जिट होना है तो वो कौन सा रूट लेंगे, वो भी तो यही वाला रूट फॉलो करेंगे, यस और नो, कुछ समझ में आया गाइस। और अगर नेट को यूज करना है तो नेट भी तो इसी रूट को एग्जीक्यूट करेगा,
यस और नो गाइस, प्लीज रिप्लाई यस और नो, इतने सारे कैंडिडेट हैं, रिप्लाई दीजिए गाइस। तो सिंपल सा है कि मेरी कंपनी ने वही करा है, यहाँ पे मैं वही इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, बट मेरी कंपनी की ना रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टैट्स का इंफ्रा बनाने का रीजन क्या है? रीजन है ये लैंड, कि मुझे लैंड में जो एक्सेस पॉलिसीज है ना, उन्होंने बोला है कि सिर्फ आपको इंटरनेट एक्सेस देना है। इंटरनेट एक्सेस का मतलब है कि बाहर की चीजें एक्सेस हो, मेरी चीजें एक्सेस नहीं हो। इंटरनेट का तो यही है ना कि आप अगर अपने घर में इंटरनेट चलाते तो आपके सिस्टम को कोई एक्सेस नहीं करता, प्राइवेट आईपी से आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी गूगल या फेसबुक को। तो अब यहां पर क्या होगा कि मैं नेट का क्या काम है, व्हेन इन अ लैंड नेटवर्क इफ यू कैन यूज इंटरनेट, इफ यू यूज इंटरनेट इन लैंड नेटवर्क, यूज नेट गेटवे। गेटवे, अगर आप लैंड नेटवर्क में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपको कौन सा गेटवे यूज करना पड़ेगा? नेट गेटवे। तो आप अगर नेट गेटवे यूज करते हैं तो आपको अपने सिस्टम पर पब्लिक आईपी की एक तो रिक्वायरमेंट नहीं है और दूसरा आपका इंटरनेट भी क्या होगा, चलेगा, बिकॉज नो वन एक्सेस योर मशीन्स इन अ पब्लिक नेटवर्क। No one access your instances, your servers in public network via public IP or private IP. आपके सिस्टम पे इंटरनेट तो चल जाएगा बट आपकी मशीनों को कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना ही पब्लिक आईपी से और ना ही प्राइवेट आईपी से। इसलिए मैंने यहां पे क्या यूज करा है, नेट गेटवे। तो नेट गेटवे का क्या काम है, इज ट्रांसलेट यूर आईपी, यानी कि जो भी आपने यहां पर सर्वर क्रिएट कर रखा है उस पर मेरा पब्लिक आईपी नहीं होगा, तो वो पब्लिक आईपी जो नहीं होगा तो प्राइवेट आईपी की रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी, नेट गेटवे पे। अब नेट क्या करेगा, नेट उसको ट्रांसलेट कर देगा। जैसे ही आपकी पब्लिक आई प्राइवेट आईपी की रिक्वेस्ट आएगी तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पब्लिक में, क्योंकि नेट गेटवे पे क्या है, पब्लिक आईपी है। तो अब जितने भी सर्वर्स आप देखेंगे उन सबका पब्लिक आईपी एक ही रहेगा और वो आईपी होगा जो कि आपके नेट गेटवे पे आईपी एलोकेट होगा। अगर यहाँ पे 2.2.2.ip है तो सारे, अगर आपने यहाँ 100 सर्वर बनाए 100 के 100 सर्वर का यही आईपी रहेगा। विद द हेल्प ऑफ सिंगल पब्लिक आईपी यू कैन कम्युनिकेट मिलियंस ऑफ प्राइवेट आईपी। आपके घरों में जो इंटरनेट चलता है, तो जब आपके घर में इंटरनेट चलता है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपके घर का एग्जांपल देता हूं तो इजीली आप समझ लेंगे। आपके घर में एक चीज लगी रहती है जिसको हम बोलते हैं वाईफाई। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से क्या होता है, एक वायर आती है और वो वायर आके आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है। यस और नो एवरीवन, रिप्लाई फास्ट। यस सर। अब इससे आगे का प्रोसेस क्या होता है कि ये आप लोगों का लैपटॉप है, ये आपका मोबाइल फोन है, ये आपका डेस्कटॉप है। आप क्या करते हैं, वाया लैंड पोर्ट या वाया, अगर मैं बात करता हूँ वाईफाई, आप अपने लैपटॉप को अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो ये आपको दो चीजें एलोकेट करता है। पहला, एक आप SSID सर्च करते हैं और दूसरा आप पासवर्ड डालते हैं और आपका लैपटॉप आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है। यस और नो? अब देखिए गाइस कि अगर आप इस डिवाइस को ध्यान से देखें तो ये डिवाइस आपके दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो डिवाइस है आपका, दिस डिवाइस इज डिस्ट्रीब्यूट इन अ टू पैरामीटर्स। ये दो पैरामीटर्स के अंदर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स जो पहला पैरामीटर्स है, यानी कि ये वाला जो पैनल है जहां पे आप अपने सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लैन। और जहां से आपका वाईफाई कनेक्टेड है बाहर के नेटवर्क से, उसको हम बोलते हैं वैन।
और जब भी आप आईएसपी से लाइन लेते हैं तो आईएसपी आपको एक पब्लिक आईपी एलोकेट करता है, जिसको आप गूगल पे जाके देखते हैं माई पब्लिक आईपी। अगर आप इन सिस्टम पे गूगल सर्च करेंगे और यहाँ पे देखेंगे माई पी यू बी एल आई सी पब्लिक आईपी, तो अगर आप सारे के सारे सिस्टम पे देखेंगे लाइक माई पब्लिक आईपी आपने यहाँ पे लिखा, तो ये आपको यहाँ पे यही आईपी विजिबल होगा। बट ये सारे सर्वर्स क्या है, सेम ही वाईफाई से कनेक्टेड है, तो सारे के सारे सिस्टम्स का पब्लिक आईपी क्या दिखाएगा, वो सेम ही दिखाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? लुक लाइक एक बंदे को दिल्ली टू मुंबई जाना है वाया फ्लाइट जो 12 o'clock है, तो उसमें 100 पैसेंजर्स है, तो 100 के 100 पैसेंजर्स का फ्लाइट का जो नंबर है वो सेम ही होगा या अलग होगा? बट उनका अपना एड्रेस तो अलग अलग होगा 100 एम्प्लॉयज का। तो यहाँ पर जो लैन होता है, लैन में भी यहाँ पर एक आईपी जनरेट, यहाँ एक सर्विस हम यूज करते हैं डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और यहाँ पर हम एक रेंज एड आउट करते हैं 192.168.1.0 और लाइक का जिसका गेट भी होता है 192.168.1.1, ठीक है। तो इस रेंज के आईपी हमारे सिस्टम्स को मिलते हैं, तो ये जो आईपी है 192.168.1.2, 1.3, 1.4, जितने भी आप सिस्टम्स अपने घर में कनेक्ट करेंगे उनको इस रेंज के आईपी मिलेंगे 192 के। तो ये हो गया आपका प्राइवेट आईपी लैन वाला, और दूसरा क्या हो गया पब्लिक। अब यहाँ पर एक और सर्विस इनेबल होती है जो कि हम बोलते हैं नेट। इस वाईफाई पे नेट आपका क्या होता है, ऑटो कन्फिगर्ड होता है, जिसका क्या काम होता है कि उसका काम होता है कि अगर मेरी कोई भी रिक्वेस्ट आउट अंदर से आ रही है तो वो उसको क्या कर देगा, इट्स ट्रांसलेट टू अ वैन नेटवर्क। यानी कि किसी ने भी अगर www गूगल सर्च xyz सर्च करा तो वो क्या करेगा, वो उस रिक्वेस्ट को यहाँ से करेगा, प्राइवेट पे आई, अब प्राइवेट से क्या करेगा, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा इस पब्लिक आईपी पे। यानी कि अब आपकी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो वाया इस पब्लिक आईपी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब जब वहां से रिक्वेस्ट आएगी तो नेट दोबारा से चेक करेगा कि 2.2 से रिक्वेस्ट तो आ गई है लेकिन ये किसके साथ मैप्ड है, ये आईपी नंबर 3 के साथ मैप्ड है, तो उस रिक्वेस्ट को उसी आईपी पे क्या कर देगा, दोबारा से फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय की आईडी तो अलग है ना, कंपनी तो एक ही है ना। गॉट इट द पॉइंट? तो ये है आपका नेट गेटवे का काम। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम का आईपी देखिए, आप गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट और ncpa.cpl टाइप करिए जो भी अभी सिस्टम पर है, तो आप देखिए आपके सिस्टम पे जो आईपीज होंगे या तो 192 की रेंज के होंगे, 80% लोगों के पास 192 की रेंज के आईपी मिलेंगे। एंड नाउ गो टू द क्लिक ऑन स्टेटस, तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पर 172 की रेंज के आईपीज है। तो आपके पास जो आईपी भी मिलेंगे ना, वो तीन ही रेंज के मिलेंगे, या तो आपके घर के जो आईपी है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड के xyz किसी भी लोकेशन में आप चले जाओ, या तो आपको आईपी मिलेंगे 10 की रेंज के, या आपको आईपी मिलेंगे 172.16 की सीरीज के, या आपको आईपी मिलेंगे 192 के। सो गाइस ये तीन ही आईपी रेंज ऐसी है, मैंने आपको बताया था ना टोटल 0 to 255 रेंज, इसमें से ये तीन रेंज ऐसी हैं 10, 172, 192 जो कि फ्री हैं, जिनके चार्जेस नहीं लगते हैं। बाकी अगर आप कोई भी आईपी यूज करते हैं तो वो सारे आपके चार्जेबल। तो गाइस सेम है कि मेरी कंपनी भी यही कह रही है, कंपनी भी कह रही है कि वाई कि मैं इंटरनल डेवलपर्स के लिए मुझे पब्लिक आईपी की जरूरत क्या है, मुझे नहीं चाहिए पब्लिक आईपी अपने डेवलपर्स के लिए, यस और नो? तो कंपनी कहती है बट इंटरनेट तो चाहिए, तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, एक नेट गेटवे अटैच कर दिया। तो हाउ टू अटैच इंटरनेट गेटवे एंड हाउ टू अटैच नेट गेटवे, तो नाउ गाइस सिंपली है, सबसे पहले आपको ये दोनों गेटवे बनाने पड़ेंगे। नाम जस्ट गो टू द वीपीसी, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट गेटवे, देन क्रिएट इंटरनेट गेटवे, गिव द नेम ऑफ लाइक ICCP-IG, देन क्रिएट, देन एक्शंस एंड अटैच टू वीपीसी। सो आपका जो इंटरनेट गेटवे, आप देखिए डायग्राम, एक तरफ आपका वो वीपीसी से भी कनेक्ट है और एक तरफ किससे कनेक्ट करना है, रूट टेबल से। So now I'm just come to here and click on a root table and when root tables के साथ connect करना है, roots, edit roots, add, और मैं कह रहा हूँ allowed all traffic via internet gateway। Second हमें net gateway बनाना है, so मैंने आपको बताया था कि net gateway पे भी required है public IP। तो जब हम virtual machine बनाते हैं
कस्टम वीपीसी पे तो आपको पता है कि पब्लिक आईपी इनेबल करना होता है, बट यहां पर हमें इलास्टिक आईपी लेना पड़ेगा, वो आईपी जो बार बार चेंज नहीं हो, क्योंकि जब हम सिस्टम पे आईपी ऑटोमेटिक वाला लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है रीस्टार्ट करने पे या स्टॉप होने पे, बट यहाँ पर मुझे इलास्टिक आईपी लेना पड़ेगा जो चेंज नहीं है। तो व्हेन यू क्रिएट अ नेट गेटवे, जब भी आप नेट गेटवे क्रिएट करोगे, देन क्रिएट नेट गेटवे, तो सबसे पहले वो पूछ रहा है नेट, सो मैं कहता हूँ आईसीसीपी लैन एक्सेस नेट, तो आईसीसीपी लैन एक्सेस नेट में बना रहा हूं सबनेट। तो मुझे डायग्राम में किस सबनेट से कनेक्ट करना है इसको, वो सबनेट से जिस पर पब्लिक एक्सेस है। गॉट इन माय पॉइंट? जिस पर कौन सा एक्सेस है? पब्लिक एक्सेस है, क्योंकि प्राइवेट एक्सेस तो ऑटोमेटिकली है ही, क्योंकि यहां से यहां ये दोनों आपस में किसके थ्रू कनेक्ट है, वीपीसी के थ्रू कनेक्टेड ही है, क्योंकि सेम ही वीपीसी के है। क्योंकि यहां पर भी क्या है कि जब आप सबनेट बनाएंगे तो यहां पर भी क्या है, एक गेटवे का आईपी रिजर्व हुआ है और यहां पर भी क्या है, एक गेटवे का आईपी रिजर्व हुआ है। इस वाले का जो गेटवे आईपी होगा वो गाइस होगा 10.0.0.1 और इस वाले का जो गेटवे आईपी होगा वो होगा आपका 10.0.0.129। तो यहाँ पर एक सबनेट दूसरे सबनेट से इस पर्टिकुलर गेटवे आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करता है, क्योंकि वो 5 आईपी जो रिजर्व करता है उसमें से हर सबनेट के अंदर वो एक गेटवे आईपी भी क्या करता है, रिजर्व करता है। तो जब इस सबनेट पे ट्रैफिक आएगा तो वो दूसरे सबनेट में पहुंच ही जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस गेटवे। कहते हैं ना पानी है, तो अगर घर में अगर कहते हैं ना एक दीवार में छेद भी होगा तो अगर पानी दूसरी तरफ से आएगा तो छेद से एग्जिट हो जाएगा, अगर नहीं होता तो वो रुकता वहां पे। एक कहते हैं ना कैन है लाइक एक ड्रम के अंदर छेद नहीं होता तो पानी रुक जाता, बट यहाँ तो हमने क्या एग्जिट पॉइंट दिया हुआ है ना, तो यहाँ से दूसरे सबनेट में मूव हो जाएगा। तो सेम एज आई एम जस्ट कम टू सबनेट, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सबनेट टेस्टिंग वाला और पब्लिक, सो यस वी रिक्वायर्ड अ पब्लिक, सो वी ऑल्सो रिक्वायर्ड अ इलास्टिक आईपी, यानी कि पब्लिक आईपी। सो आई एम सिलेक्ट एलोकेट इलास्टिक आईपी और आप देखिए यहाँ पर मेरे को एक आईपी एलोकेट हुआ है 122.248.229.80। ये आईपी जितने भी सर्वर हम मैं अपने नेटवर्क उस पर लगाऊंगा वो सारे के सारे सर्वर किसके थ्रू एक्सेस होंगे, इस आईपी के थ्रू ही होंगे, यानी कि सबका आईपी कॉमन होगा। एंड नाउ क्रिएट नेट गेटवे। अब गाइस नेट गेटवे क्रिएट करने के बाद मुझे नेट गेटवे किसके साथ अटैच करना है, कोई बताएगा गाइस? लैन रूट टेबल के साथ। तो यहां पे देख रहे हो ना नेट गेटवे किसके साथ अटैच्ड है, मेरी लैन रूट टेबल के साथ, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस तो मुझे सिर्फ इसी को देना है ना, तो मैं चाहता हूं कि इन सर्वर्स को कोई भी आउटसाइड एक्सेस ना करे, ना ही पब्लिक आईपी से ना प्राइवेट, यानी कि यहां पर अगर कोई एक्स वाई जेड यूजर मेरा बैठा हुआ है वो यूजर्स मेरे उन सर्वर डेवलपर्स के सिस्टम्स को एक्सेस ना कर सके, वो सिर्फ किसको एक्सेस कर सके, जो मेरे टेस्टिंग वाले हैं। तो मेरे को इनका क्या करना है, वैन एक्सेस भी क्या करना है, ब्लॉक करना है। बट मैं कह रहा हूं कि मेरी कंपनी जो है उस कंपनी में मोर देन इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, तो मैं चाहता हूं कि इन एम्प्लॉयज में से अगर काम कैसे होगा, अगर डेवलपर फिर काम कैसे करेगा, तो मैं कहूंगा जो मेरा डेवलपर है लाइक का कि ये डेवलपर है ये, तो ये दो यूजर ही क्या करें, मेरे सर्वर को एक्सेस करें और कोई एक्सेस ना करें। बट पब्लिक आईपी से मैं एक्सेस नहीं दे सकता, क्योंकि अगर किसी को मेरा पब्लिक आईपी, यूजर नेम और पासवर्ड ये तीन चीज भी पता लग गई तो एक्सेस कर सकता है, यस और नो? कर सकता है नहीं कर सकता? तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि जब आप अभी इंटरनेट चलाते हो अपने घर में, तो आप लोग इंटरनेट जब चलाते हो लाइक यहाँ पर, तो हम लोग जब सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप में अगर मैंने यहाँ पे लिखा आरडीपी और कस्टम करा, कस्टम करने के बाद हम क्या करते हैं, हम कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट ही एक्सेस करें तो उसका आईपी हम एक्सेस कर देते हैं, यस और नो? यही रूल है सनोज, संदीप, पूजा, राणा, यही रूल है या नहीं है तेजस्वी? यस सर। अब यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पर चेंज ये है कि ये जो 2.2.2 आईपी है ये सिस्टम का आईपी है या उस वाईफाई का आईपी है, ये वाईफाई का आईपी है। अब इस वाईफाई पे है तो अब 2.2 की रिक्वेस्ट अगर आप यहाँ पे किसी भी सिस्टम पे बैठ के एक्सेस करेंगे तो कोई भी इसको एक्सेस कर लेगा, बट मैं तो चाहता हूं इन तीनों में से सिर्फ पर्टिकुलर ये ही कैंडिडेट क्या करे, एक्सेस करे।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम वीपीएन यूज करेंगे कि वीपीएन, व्हेन यू यूज अ वीपीएन ओनली स्पेसिफिक कैंडिडेट एक्सेस योर रिसोर्स, व्हेन यू यूज वीपीएन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे ओनली स्पेसिफिक यूजर एक्सेस योर क्लाउड रिसोर्सेस बिकॉज रिक्वायर्ड वीपीएन सर्वर लॉगिन डिटेल्स ऑल्सो। यानी अब आपको खाली सर्वर की डिटेल से काम नहीं चलेगा, आपको वीपीएन सर्वर की भी डिटेल चाहिएगी। तो वीपीएन क्या करेगा कि जो भी आपकी कंपनी है ना उसके साथ आपका एक सिक्योर टनल क्रिएट कर देगा। लाइक कि ये आपकी अगर कंपनी है और ये आपका वीपीएन सर्वर है, तो वीपीएन क्या करेगा, वीपीएन एक सिक्योर टनल आपको यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा आपसे के लिए, आपकी कंपनी के लिए, और आप उस पर्टिकुलर टनल के थ्रू क्या करोगे, अपनी रिसोर्सेस को एक्सेस करोगे। लुक लाइक कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को पीएमओ ऑफिस से एयरपोर्ट पे जाना है तो उनके लिए कोई अलग से रोड नहीं बनाई गई है, यस और नो? उसी रोड का यूज करते हैं, बट हाँ एक सिक्योरिटी बाउंड्री उनके लिए अलग से क्रिएट करी जाती है कि कोई और वहां पे ना आए, जब उनका काफिला निकले तो सिर्फ वो ही उस रूट पे रहे, बाकी सारे रूट को डाइवर्ट या रोक दिया जाता है। इसी तरीके से वीपीएन से भी जब आप एक्सेस करते हैं तो वीपीएन क्या करता है, सारी चीज को रिमूव कर देता है, इस टनल के थ्रू आपकी रिसोर्स को कम्युनिकेट करा देता है। क्लियर द पॉइंट? तो सेम एज द गाइस कि पहले तो हम नेट गेटवे वाला काम करते हैं। नाउ आई एम जस्ट कम टू कि मेरा नेट गेटवे बन गया, देन अटैच विद रूट टेबल। तो मुझे जो कराना है वो लैन रूट टेबल में एक्सेस कराना है, क्योंकि मैं इंटरनेट एक्सेस इसी को देना चाहता हूँ प्राइवेट आईपी से। क्योंकि वैन को मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ तो पब्लिक आईपी है ही, तो पब्लिक आईपी डायरेक्ट है और इंटरनेट गेटवे से, तो यहाँ तो इंटरनेट मिल ही रहा है ना, बट यहाँ तो मेरे पास क्या है, पब्लिक आईपी होना ही नहीं चाहिए। ये कंडीशन है मेरी कि मुझे पब्लिक आईपी की कॉस्ट को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन लैन रूट टेबल, देन रूट्स, देन एडिट रूट्स, एड रूट्स 000 और एक्सेस वाया नेट गेटवे। अब आता है नेक्स्ट कि क्रिएट अ मशीन। सो पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, मशीन क्रिएट करता हूं। तो नाउ गाइस कि अब मैं यहां पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूं। सो जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। आप लोगों ने मशीन कई बार कॉन्फ़िगर क्रिएट करी है, एंड देन लॉन्च इंस्टेंस, एंड लाइक डेवलपर आईफोन सर्वर, ये मेरा डेवलपर का सर्वर है, आई एम यूजिंग बेस्ड ऑन विंडोज। सो आई एम सिलेक्टिंग सर्वर 2012, देन इंस्टेंस टाइप इज T2 माइक्रो, द की पेयर आई एम सिलेक्ट अ की पेयर, क्रिएट अ की पेयर लाइक वीपीएन और लाइक डेवलपर की, तो और पैम एक्सटेंशन की पेयर मैं गाइस यहाँ पे बना रहा हूँ। एंड नेटवर्क, सो नेटवर्क में हमने जो अपना वीपीसी बनाया है आईसीसीपी, और इसके अंदर दो सबनेट है, सो मैं डेवलपर सबनेट यूज कर रहा हूँ। आई एम नॉट इनेबल अ पब्लिक आईपी एड्रेस। अभी तक आपने जो भी लैब करी है उसमें पब्लिक आईपी इनेबल करके एक्सेस करी है, आई एम नॉट इनेबल अ पब्लिक आईपी। सिक्योरिटी ग्रुप, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप लाइक डीई डेवलपर हाइफन एस जी, एंड गिव द डेवलपर हाइफन एस जी, एंड आरडीपी की जगह गाइस मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ राइट नाउ, एंड लॉन्च। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये मशीन बनाई है जिस मशीन पे सिर्फ कौन सा आईपी है, प्राइवेट है। तो क्या ये मशीन मेरी एक्सेस होगी? इट्स नॉट एक्सेसेबल फॉर एनी लोकेशन। ये मेरी मशीन कहीं पर भी एक्सेस नहीं होगी क्योंकि मैंने इसका एक्सेस ही बंद कर दिया है। अगर आप प्राइवेट आईपी से भी इसको एक्सेस करेंगे तो भी ये मशीन आपकी एक्सेस नहीं होगी। रीजन है क्योंकि मेरा यहाँ पर कौन सा गेटवे अटैच्ड है, वीपीएन, ओ सॉरी नेट गेटवे। और नेट गेटवे का मतलब है कि यू नो वन एक्सेस योर मशीन,
आप बाहर, आपकी मशीन को बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, बट बाहर की आप हर रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स इट्स अ वन वे, ये वन वे कम्युनिकेशन मैंने बना दिया है। तो आपकी मशीन को अब कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब आता है कि सर डेवलपर कैसे काम करेगा। तो अगर मुझे पब्लिक आईपी दे दूंगा तो कोई भी एक्सेस करेगा, तो मैं डेवलपर को एक्सेस वीपीएन के थ्रू दूंगा। गॉट इट माय पॉइंट? मैं किसके थ्रू दूंगा? वीपीएन के थ्रू। सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वीपीएन सर्वर। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, देन क्रिएट अ वीपीएन सर्वर। एक चीज ध्यान रखना गाइस कि वीपीएन सर्वर के लिए आपको वीपीएन की इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो क्लिक ऑन ब्राउज मोर एएमआई एडब्ल्यूएस मार्केटप्लेस एंड सर्च ओपन वीपीएन। यू कैन सी कि यहां पर आपको सर्च करना है ओपन वीपीएन एंड इंटर। तो यहां पर आपके पास ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर, ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर डिलीवर द एंटरप्राइज वीपीएन, योर बिजनेस हैज बीन लॉकिंग, प्रोटेक्ट योर डेटा कम्युनिकेशन, सिक्योर आईओटी रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड एनक्रिप्शन, रिमोट एक्सेस टू ऑन प्रिमाइज हाइब्रिड एंड पब्लिक क्लाउड। तो यहाँ पर एक तरीके का हम हाइब्रिड अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि अब हम अपनी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैप कर रहे हैं। एंड नाउ क्लिक ऑन सिलेक्ट, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड सो यहाँ पर मेरा वीपीएन सिलेक्ट हो गया। अब वीपीएन जब भी आप बनाएंगे तो इमेज उसने क्या कर रही, सिलेक्ट कर ली वीपीएन की T2 small, ये यहाँ पे जो है वीपीएन के लिए T2 small लेता है। तो आप इसको मैनुअली चेंज कर सकते हो, स्लो चलेगा, बट आप T2 micro कर लो, आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो बना के, चार्जेस फिर भी लगेंगे। नाउ द की पेयर, तो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि वीपीएन जो है बेस्ड ऑन लिनक्स। तो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे पैम या पीपी के कोई भी की यूज कर सकते हो। नाउ आई एम यूजिंग पीपी के ले लेते हैं आज, और VPN सर्वर। तो मैंने VPN सर्वर की यहाँ पे बना दिया विद द नाम अब PPK। अगर आपने PPK बना दिया तो अब ये जो आपकी इमेज है ये आपके लिनक्स पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी, जैसे मैं अभी तक कर रहा था। क्योंकि विंडोज पे अगर आपको लिनक्स एक्सेस करना है डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में, सो यू रिक्वायर्ड अ पैम। After that, so आप PAM भी use कर सकते हैं। Network, so networking के लिए same, again I'm select my VPC, और यहाँ पे मैं कौन सा subnet select करूँगा? I'm select a testing subnet, and public IP भी क्या करना है मुझे? Enable करना है। So आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि VPN पे भी मुझे public IP चाहिए और connected with testing subnet। After that, guys, I'm just click on here and security group से यहाँ पे एक security group बना रहा है। ये अपने recommended protocols को क्या कर रहा है? Allowed कर रहा है। Then 8 GB space ले रहा है, one server launch instance। और guys यहाँ पर मैंने अपना VPN, एक चीज ध्यान रखना कि अभी तक आप लोग जब भी अपने Linux के सर्वर्स को एक्सेस कर रहे थे तो आप यूज करते थे EC2-user या Ubuntu। अगर आप ओपन VPN लेते हैं तो इसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो है ओपन VPN AS। तो लॉगिन होने का जो यूजर नेम है वो क्या है? ओपन VPN AS। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अगर मैं अपनी यहाँ पे प्राइवेट मशीन को एक्सेस कर रहा था तो ये मेरे को कनेक्ट करके ही नहीं दे रहा था। नाउ आई एम जस्ट गो टू द VPN, VPN सेटिंग में जाता हूँ। सो मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरा एक VNet कनेक्टेड है जो कि ये मेरे Azure क्लाउड का है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड ऑल्सो आई एम जस्ट यूजिंग कि मेरे पास ओपन VPN यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो आई एम जस्ट सर्च एड एंड रिमूव। तो कोई मेरा VPN का सेटअप पहले से कन्फिगर्ड ना हो, क्योंकि कन्फिगर्ड होगा तो वो फिर मेरे को इसको करने नहीं देगा। सो आई एम सर्च इन ओपन VPN
नहीं है। तो गाइज ये मेरे सब्सक्रिप्शन यानी कि ये सब्सक्राइब टू मार्केट एएमआई मैंने लिया है और यहाँ पे ये मेरा सर्वर जो है ये लॉन्च हो रहा है और नाउ क्लिक ऑन रिफ्रेश। क्या हुआ, कैंसिल हो गया था क्या? रुक गया था क्या? चलिए लॉन्च डिस्टेंस करते हैं दोबारा से, क्लिक ऑन वीपीएन। कोई नहीं यार, आई नो कि आज आप लोगों की बत्ती गुल है क्योंकि आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स पढ़े ही नहीं है। जिसने भी पढ़े होते उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए कहता हूँ भाई क्लाउड पढ़ना है तो टाइम तो देना होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये टॉपिक्स तभी आएंगे जब आप क्लाउड की सारी वीडियो शुरू से देखेंगे स्टार्टिंग से। कोई भी सोचता है कि नहीं बाद में मैं रिपीट कर लूंगा, तो T2 डॉट माइक्रो की पेयर आई एम सिलेक्ट वीपीएन सर्वर की नेटवर्क आई एम यूजिंग एडिट सॉरी यूजिंग कस्टम वीपीसी टेस्टिंग इनेबल अ पब्लिक आईपी सिलेक्ट द सोर्स ग्रुप अलाउड दीज ऑल प्रोटोकॉल्स स्पेस आई एम जस्ट गिव द 15 जीबी ऑफ स्पेस एंड नाउ लॉन्च स्टार्ट। विंडोज का बना रहे हो, विंडोज के लिए मिनिमम ही 30 GB रिक्वायर्ड है। लिनक्स का बनाओ, उसमें 8 GB से कम लोगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो नाउ गाइस सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। सो दोनों ही मेरे बन चुके थे, पहले वाला भी बन चुका था। गॉट इट गाइस? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले को टर्मिनेट कर देता हूँ। थोड़ा सा देर से वो आया यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपना सर्वर बना लिया। अब इस सर्वर को मुझे एक्सेस करना है और वीपीएन को कॉन्फ़िगर करना है। तो वीपीएन को जब कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर हमें दो चीजें हैं कि हमारे पास वीपीएन का पासवर्ड नहीं है। तो जो हम यूजर्स को वीपीएन का पासवर्ड देंगे, यूजर के लिए लॉग इन कंडीशन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हमें वीपीएन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा कि वीपीएन सर्वर से हमें लॉग इन होना पड़ेगा। सो नाउ how to access, so just copy the VPN server public IP and now I'm just come to PuTTY, मैं यहाँ पे PuTTY सर्च करता हूँ क्योंकि मैंने PPK यूज करी है तो मेरे डायरेक्ट लिनक्स की मशीन पे नहीं होगा। कंट्रोल V, देन क्लिक ऑन अपेयरेंस एंड इंक्रीज द फॉन्ट साइज। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आप कमांड्स इजीली देख सको कि मैं वीपीएन सर्वर पे क्या कमांड्स टाइप कर रहा हूँ। एंड SSH के साथ ऑथेंटिकेशन आ रहा है यहाँ पे। ब्राउज करके हम सिलेक्ट अ की पेयर, तो मैंने वीपीएन सर्वर की की बनाई। ओपन एंड देन एक्सेप्ट, ये पूछ रहा है लॉगिन है। तो द डिफॉल्ट यूजर नेम इज OPEN ओपन वीपीएन AS। तो आप लिनक्स की मशीन को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो लिनक्स की मशीन करोगे लिनक्स का पब्लिक आईपी से, तो यहाँ पे आपको EC2-hyphen user लिखना पड़ेगा या ओपन वीपीएन AS। देन गाइज ये इसका एक एग्रीमेंट है, ये कहता है कि आप ऑटो इंस्टॉल करना चाहते हो एग्रीमेंट को या मैनुअली। सो मैं कर देता हूँ प्लीज इंटर येस टू इंडिकेट और योर एग्रीमेंट। तो मैं कर देता हूँ येस, हम देखना चाहते हैं। तो जो भी इसको पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी मिला है, कौन कौन से प्रोटोकॉल अलाउड है, किस नेटवर्क से कनेक्ट है, वो सारी चीजें दिखाएगा आपको। So like press enter for default, yes. All interfaces, यहाँ पे 00 access मिला हुआ है, public access मिला हुआ है, और एक ethernet है जिसको private IP 10.0.0.251 मिला है। Got it my point? तो हमारा VPC किस रेंज का था? इसी रेंज का था ना, 10 की रेंज का था या 192 का था? 10 की रेंज का था ना, देख लेते हैं यार। 10.0.0.251 and now here, yeah. तो 10 की रेंज का है हमारा वीपीसी।
इंटर इसने बोला कि ये प्रोटोकॉल जो अलाउड कर रहे थे सिक्योरिटी ग्रुप में वो सारे अलाउड हैं। और यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे आपके पास इंटर इंटर आप कर जाइए, यहाँ पे एक लिखा आ रहा है विश टू लॉग इन टू द एडमिन यूजर एज ओपन वीपीएन। यहाँ पे एक यूजर बना रहा है विद द नेम ऑफ ओपन वीपीएन। आप क्या सेम ही यूजर बनाना चाहते हो किसी अदर नेम से क्रिएट करना चाहते हो? तो मर्जी आप कर सकते हो, मैं इसी नाम से कर रहा हूँ इंटर एंड इंटर, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इंटर इंटरनेट इंटर इंटर प्रेस करना है। तो अब आपको यूजर नेम तो पता लग गया कि वीपीएन सर्वर का जो यूजर नेम है वो क्या है, ओपन वीपीएन है। अब पासवर्ड कैसे चाहिए? पासवर्ड भी तो रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे किसी भी सिस्टम पे एक्सेस करने के लिए उसका आईपी, यूजर नेम और पासवर्ड। सो पासवर्ड हम सेट करेंगे, और लिनक्स में जो पासवर्ड सेट होता है वो होता है कमांड से। तो अगर आपको कोई भी पासवर्ड सेट करना है तो उसके लिए आप कमांड डालोगे sudo sudo passwd, दिस इज द कमांड पासवर्ड रीसेट करने की या पासवर्ड सेट करने की यूजर पे, एंड यूजर नेम इज open ओपन वीपीएन एंड द पासवर्ड asd@1234 एंड asd@1234, और वो विजिबल नहीं होता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली पासवर्ड भी क्या कर दिया, सेट कर दिया है। नाउ कि अब आपको ओपन वीपीएन पे लॉगिन होना है, तो ये क्लाइंट यूआरएल आप देख रहे हैं, आप इसको कॉपी करिए, एंड कॉपी करने के बाद कम टू द ब्राउजर, एडवांस एंड प्रोसीड। सो ये अब आपको ग्राफिकली एक्सेस दे देगा। Now the username is OpenVPN and password is ASD@1234. अभी आपसे पूछेगा कि आप जिस भी सिस्टम को एक्सेस देना चाहते हो यूजर को, उसके सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। विंडोज इंस्टॉल्ड है, लिनक्स इंस्टॉल्ड है, मैक का है, तो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा। लाइक मैं कहीं यूजर वन को ही एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरे पास विंडोज है, सो आई एम जस्ट क्लिक और ये मेरे को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके देगा। तो वीपीएन के थ्रू अगर आप कभी भी एक्सेस करते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहला कि अगर मैं कहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम पे सर्वर डेवलपर के सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूं, तो आपके पास पहला क्रेडेंशियल क्या है कि सर्वर आईपी होगा, यूजर होगा और पासवर्ड होगा। ये तीन चीज तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको वीपीएन का भी क्या चाहिए, आईपी, यूजर एंड पासवर्ड। अब आप कहते हैं कि सर अगर ये दोनों चीज हो तो भी कोई एक्सेस कर लेगा, यस और नो? नहीं, क्योंकि इसने जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया है ना, ये वीपीएन उसी पे एक्सेस होगा जिसके सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा। तो मैं जिस भी सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल लूंगा, वीपीएन सर्वर उसी के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा, और उसी के सिस्टम पर ही वो सर्वर क्या होगा, एक्सेस होगा। तो आपको अगर ये मैं सारी चीज दे भी दूं तो भी आप मेरे सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर देता है वो उसमें लाइसेंसिंग देता है। तो नाउ कि ओपन वीपीएन कनेक्ट मेरा एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे आया है, नाउ आई एम डबल क्लिक एंड इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। पहले मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा। सर यहाँ है ना एक क्वेरी है मेरी, ऐसा तो अभी मेरे पास दो तीन है, बट एज ऑफ नाउ इसके लिए जैसे हमारी कंपनी में सिस्को का वीपीएन यूज होता है ना, वो उस सिस्को के वीपीएन में क्या कहते हैं, मेरे पास सिस्को का सॉफ्टवेयर है सिर्फ, और मैं सिर्फ यूआरएल यूज करता हूँ, मैं यूआरएल यूज करता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट को एक्सेस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, वो कैसे होता है? वो वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन है, वो हर क्लाइंट के हिसाब से वो वीपीएन के लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करे जाते हैं। मैंने तो एक ही यूजर क्रिएट करा है ना, मेरा वीपीएन सर्वर है, मैं पूरा वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकता हूं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पे क्या है कि मेरे तीन क्लाइंट हैं, ठीक है, अब तीन क्लाइंट तीनों क्या कहते हैं सिस्को का वीपीएन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एज अ वीपीएन कनेक्शन के लिए। और तो मतलब कि अगर मैं अपने पर्सनल लैपटॉप पे भी मैंने ट्राई किया, मैं सिर्फ वीपीएन का वो जो सॉफ्टवेयर है बस वो डाल लेता हूँ और यूजर आईडी और पासवर्ड होते तो मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही तो करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो हमने भी क्या करा है, मैंने भी तो सॉफ्टवेयर ही डाला है, दैट्स इट। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ के यूजर और पासवर्ड किसी और को दे दूं तो वो तो ये कर लेगा, कहाँ से होगा, सॉफ्टवेयर भी तो देना पड़ेगा। तो सर सॉफ्टवेयर तो वो डाउनलोड कर ही लेगा ना यार,
ऐसे थोड़ी ना होता है, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, यूजर के पासवर्ड दे दो, सर्वर के पासवर्ड दे दो, अब आप अपने बैंक की डिटेल मुझे दे दोगे तो मैं तो एक्सेस कर ही लूंगा ना, यस और नो? आप दे दो मुझे हाँ अपना तो नेट अभी बैंकिंग आप आईडी, तो यार आप कह रहे हो कि मैं किसी को सॉफ्टवेयर दे दूं वो एक्सेस कर ही लेगा, मैं उसको यूजर नेम पासवर्ड भी दे रहा हूँ, मैं नहीं, अभी सर्वर की आपने बोला क्रेडेंशियल्स ना भी दे रहा कि हूँ नहीं, अभी यार, मैं आपने बैंक बोला को था करूंगा ना ना यार, मैं जिस सर्वर को कर रहा हूँ मैं उस पर्टिकुलर सर्वर के आईपी से भी तो मैप करूंगा ना, मैं आईपी भी तो मैपिंग करूंगा ना, अभी तो अगर मैंने ओपन छोड़ा हुआ है तो कोई भी कहीं से भी कर लेगा, जब मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ तो मैं तो आपका आईपी लोकेशन सारी चीज मैप करूंगा ना, फिर सॉफ्टवेयर भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, वो किस हिसाब से लाइसेंसिंग है? तो आप पता अपने है मुझे प्राइवेट कि सिस्टम, बिना लाइसेंस आप चलता कंपनी के नहीं। लैपटॉप पे मत करो, आप देखो वो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं वीपीएन को कंफिगर करने के, ठीक है ना, काफी टाइप्स की सिक्योरिटीज हैं, कि आप किस टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, 1-to-1 बना रहे हो, 1-to-many जनरेट कर रहे हो, 1-to-all जनरेट कर रहे हो, उस हिसाब से लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट होते हैं, सारा नेटवर्क डिजाइनिंग है बैकएंड प्रोसेस, तो यहाँ पे वही नेटवर्क डिजाइनिंग बता रहा हूँ। तो गाइस आगे चलते हैं, यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया, अब हमें सिर्फ लॉगिन करना है इस सॉफ्टवेयर को और अपना सर्वर एक्सेस कर लेना। नाउ हम जस्ट क्लिक नेक्स्ट 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 कर देते हैं, पहले इसको एग्री ओके। तो देखिए यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली वीपीएन सर्वर का आईपी उठा लिया, कट इट। जब आप किसी कोई बाहर से सॉफ्टवेयर लेता है तो उसको वीपीएन सर्वर का आईपी नहीं मिलेगा, अब वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमने यूआरएल के फॉर्मेट में दिए हैं या अपना एंड पॉइंट के फॉर्मेट में जनरेट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट, व्हाट इज द यूजर नेम, ओपन वीपीएन एंड देन पासवर्ड इज ASD@1234। अगर यहाँ पे आईपी नहीं आता है तो आप मैं देखो सर्वर का आईपी यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, ये देखिए वीपीएन सर्वर का जो है वही आईपी यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ गया है, इंटरनेट नहीं चलेगा, अब मेरी ये मशीन एक्सेस हो जाएगी जो पहले नहीं हो रही थी। 10.0.0.45 है ना, कनेक्ट आरडीपी एंड गेट पासवर्ड, ब्राउज, अपलोड अ प्राइवेट की, क्या हुआ भाई, देर बाद एरर डिस्क्रिप्शन योर पासवर्ड इन सेवर दैट, एक मिनट यार मैंने की कौन सी बनाई थी, अच्छा डेब सर की है, विंडोज लिसन पीपी के नहीं लेगा मेरे नहीं ख्याल नहीं से। नहीं नहीं डेब की है वो, मैंने की नहीं बनाई थी ना, मैंने दूसरी की। तो गाइस मेरा जो यहाँ पे आईपी है वो 10.0.0.45, हम जस्ट गो टू द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस एंड टाइप 10.0.0.45 देन इंटर ADMINISTRATOR एंड द पासवर्ड कंट्रोल वी देन ओके। और देखिए गाइस ये मेरी मशीन अब प्राइवेट आईपी से एक्सेस हो गई, अब आप लोग ट्राई कर लो, ये मशीन आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते, मैं आपको सारी चीजें दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने वीपीएन से इसको कनेक्ट करा है और देन क्या करा है, इस मशीन को एक्सेस करा है। एक और चीज अभी मैं आपको दिखाता हूं, वेरीफाई कराते हैं। सो आई एम जस्ट कम टू द वीपीएन सेटिंग्स, तो अलाउड हो रखा है मेरा यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि जो मेरा ओपन वीपीएन सॉफ्टवेयर था यहाँ पर क्या ये कनेक्टेड दिखा रहा है, कट माय पॉइंट्स। आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल एंड आई एम जस्ट कम टू डेस्कटॉप, और यहाँ पे देखिए ये आपको हाइब्रिड में यहाँ पे दिखा रहा है एंड वन मिनट में एक और चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये विंडोज एडेप्टर वो, और ये देखिए ओपन वीपीएन कनेक्ट के नाम, और ओपन वीपीएन ने अलग से इसको एक सेपरेट आईपी जनरेट करा है, इस रेंज का आईपी तो मैंने कहीं बनाया ही नहीं था ना, तो मेरे वीपीसी में था ना मेरे लैन पे है, और 248 सबनेट मास्क का। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाता हूँ, नाउ जस्ट कम टू द सर्वर, मेरा सर्वर एक्सेस हो गया, नाउ आई एम जस्ट डबल क्लिक एंड विंडो आर एंड टाइप PING GOOGLE.COM, तो मेरा रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरा इंटरनेट वर्किंग है, अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप ब्राउजर पे क्लिक करिए और
और गाइस लैंड पर हूं मैं, देख रहे हो पब्लिक आईपी है ही नहीं मेरे पास। तो इसमें स्क्रिप्ट सेट करनी पड़ती है सर्वर पे। सो ये मेरा गूगल एक्सेस हो गया। सेकंड वन मोर थिंग कि ये देखिए, जैसे ही मैं अपने वीपीएन सर्वर को डिस्कनेक्ट करूंगा मेरी मशीन भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मैं दोबारा से इसको कनेक्ट करता हूँ मेरी दोबारा से, क्योंकि वो 5 टाइम्स में अटेम्प्ट करेगी, उसके पास वो 5 बार में अटेम्प्ट करेगा। सो आई OPEN ओपन VPN ट्राई कर रहा है वो 5 टाइम्स। सो OPEN ओपन VPN एंड द पासवर्ड इज ASD8 1 2 3 4। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो जैसे मेरा कनेक्ट होगा मेरी मशीन अपने आप ही क्या हो जाएगी, कनेक्ट इट्स कनेक्टेड। और आप देखिए अभी दोबारा से वो कंसोल कनेक्ट। क्लियर गाइस? थैंक यू गाइस, होप सो द ऑल डिटेल्स मैंने प्रॉपरली तरीके से आपको एक्सप्लेन करा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फर्दर। सर प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।